कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आज पूरी दुनिया इससे बचाव के लिए तरह तरह के उपाय अपना रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग शुरुआत से ही एक मजबूत हथियार रहा है। इस लिहाज से लॉकडाउन भी काफ़ी कारगर रहा, लेकिन अब तमाम देशों में लॉकडाउन की पाबंदियां हटाई जा रही हैं, क्योंकि लंबे समय तक घरों में कैद होने से लोग आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दबाव झेल रहे थे। ऐसे में सरकारों पर लॉकडाउन को खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा था। शोधकर्ताओं का मानना है कि कम होती पाबंदियों के बीच परिवार के सदस्य एक दूसरे से मिलते हैं तो संक्रमण के मामले कम हो सकते हैं। इस मॉडल को ही सोशल बबल मॉडल कहा जा रहा है, जहां एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों को भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से मना किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल बबल मॉडल में अपने निकट के लोगों या पड़ोसियों से एक निश्चित समय में मिलने की अनुमति होती है। दरअसल हाल ही में नेचर ह्यूमन बिहेवियर नाम की एक पत्रिका में प्रतिवेदन दिया गया कि सोशल बबल के माध्यम से COVID-19 के प्रसार को रोका जा सकता है और लोगों के मानसिक तनाव को भी कम किया जा सकता है। COVID-19 संक्रमण की दूसरी लहर से बचने के लिए अपनाई जाने वाली तमाम रणनीतियों में सोशल बबल को एक प्रभावी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल बबल न्यूजीलैंड की परिकल्पना है, जो काफ़ी चर्चा में है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी न्यूजीलैंड के इस मॉडल को अपनाने की बात कही है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सोशल बबल मॉडल पर रिसर्च के बाद कहा कि इस मॉडल को अपनाने से संक्रमण के मामले कम हो सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ बबल का अर्थ उन परिवारजनों से है जो एक साथ निवास करते हैं। सोशल बबल का लाभ ऐसे लोग भी उठा सकते हैं जो अकेले रहते हैं या एक दो लोगों के संपर्क में आना चाहते हैं। खास बात यह है कि जो लोग एक घर में एक साथ रहते हैं वे सोशल बबल के लिए पात्र नहीं होंगे, लेकिन यदि वे एक ही क्षेत्र में रहते हैं तो वे सोशल बबल के लिए पात्र हो सकेंगे। सोशल बबल मॉडल के तहत यदि किसी व्यक्ति में COVID-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो इस परिस्थिति में समूह के सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। इस मॉडल में व्यक्तियों का समूह बनाकर कोरोना की जाँच भी आसानी से हो पाएगी, मतलब इस महामारी के कम्युनिटी स्प्रेडिंग से बचा जा सकता है। कम्युनिटी स्प्रेडिंग के दौरान संक्रमित का पता चलना कठिन होता है, लेकिन सोशल बबल मॉडल में यह आसान हो जाएगा। आशा है कि सोशल बबल मॉडल द्वारा इस महामारी में अलग थलग पड़े लोगों को अपने परिवार या अपनों से जुड़ने का एक सुरक्षित मौका मिलेगा।